किसको खुजलाऊं किसको खुजलाऊं किसको खुजलाऊं। कपड़े उतार बे, कपड़े उतार। अच्छा हमको उतारना पड़ेगा ना, हम तो तेरा हाथ पकड़े हुए हैं। नो 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 चिंपू, नो 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 नो। अरे टिरण क्यों ना आई अब तक? पिछले स्टेशन से तो भगी। मिस चौटाला सर, फेंकिए सर, फेंकिए। हम ठीक है मिस चौटाला, आई एम फाइन। अभी तक तो अबे मुझे नहीं, सर को खुजला, सर को खुजला। अब बोलो मिल गया सैंपल, कितनी देर में बनेगा एंटीडोट? मैडम जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, समझिए कि नहीं, हमारा एक दो जो है अतर्रा में साइंटिस्ट है, हमने उससे बात कर लिया है, उसका लैब रेडी है, बस 1 घंटे में एंटीडोट बना के दे देंगे। तो बात आ रही है वेटिंग फॉर क्रिसमस, चलो ना। जी जी अच्छा मैडम जी, आइए आइए जल्दी। यार इतनी देर हो गई और साइंटिस्ट आया क्यों ना अब तक एंटीडोट लेके? अरे अरे मैडम जी आ गया, मैडम जी आ गया। और मैडम जी ये देखिए, ये है वो केमिकल का एंटीडोट। मैडम जी किसी भी तरह इस स्प्रे को आप ट्रेन की उस बोगी में फैला दीजिए जहाँ पे लोगों ने एक दूसरे को खुजलाया है। बस आप ये समझ लीजिए कि इसके फैलते ही उस केमिकल का असर खत्म हो जाएगा। मैं पनौती हूँ। ठीक है, यो स्प्रे ट्रेन की बोगी में पहुँच जाएगा। लेकिन मैडम जी, अरे चलती ट्रेन में इसको लेके जाएगा कौन? मैं। और कौन? चलती ट्रेन में मैडम घुसेंगी कैसे? हमीरपुर एक्सप्रेस के आने का टाइम तो हो गया। संभाल के संभाल के। अंदर तो सब पागल हो गए खुजला के। हम किसी तरह अपना जान बचा कर आ रहे हैं बाहर। हाँ सर, चिंता ना करिए, हमारे पास एंटीडोट है। वापस चलिए ट्रेन के अंदर। हाँ, अंदर जाने का रास्ता यही है। हाँ चलिए। आइए मिस चौटाला, संभाल के। एंटीडोट सर। चलिए चलिए, संभाल के, बस संभाल के। ये हाँ ठीक हो गई। और ये मिस चौटाला ये मारो। हो गया, सब हो गया। मिस चौटाला थैंक यू, अब सही वक्त पर आ गई, वरना हम तो बाहर लटके रह जाते यार। सच में बाथरूम में कोई है, अमन ने दिखे वो वही है सर। Would you like to do the honors? Sure, Miss Chautala, sure. अबे बाहर निकल बे। अबे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अबे चुप है, जाने दो। Man in black, काम भी black. You are under arrest. आजा भाई, चलो काम करो। Well, thanks God, mom is not here. Not here भैया? Yeah, this one बहुत लेट हो गया आज हम। मैं नहीं हुआ हूँ, आप हुए लेट। मैं तो आपकी स्कूटर के पीछे बैठ के आता हूँ ना। अब जब तक स्कूटर नहीं आएगी मैं उसके पीछे बैठूंगा कैसे? वो तो आप शुक्र मनाइए कि मैडम यहाँ पे नहीं है, वरना खाल खींच लेते हैं आपकी। वेल ब्रो, मैं मॉम से नहीं हूँ डरता इज़्दा, मैं तो उनकी इज्जत हूँ करता इज़्दा। तुम्हें बताऊँ, एक बार मैंने ना मॉम को बहुत डांट दिया था, ऐसा डांटा था कि वो सूखे पत्ते की तरह कांपने लग गई थी। चौड़ाला क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है ना? क्या आप यहाँ बैठ जाइए, आइए। नहीं नहीं सर, सर ठीक है सर। ओ बिल्लू, पता नहीं एक आध दिन से जरा वीकनेस फील हो रही और एक आध बार चक्कर भी आ जावे। चौड़ाला आपको चक्कर आ रहा है, आपकी तबीयत खराब है, आपने हमें बताया नहीं। इसका मतलब आप हमें अपना नहीं समझती है ना? अरे नहीं नहीं सर, ऐसी बात ना है, वो मैंने टेस्ट करा लिया था सर डॉक्टर की लैब में जाके। सर आप बेकार ही घबरा रहे हैं, वो डॉक्टर आता होगा और बता देगा कि कुछ नहीं है। आता नहीं बल्कि आ गया है। नमस्ते मैडम जी, मैं हूँ डॉक्टर दया फ्रॉम गया, मेडिसिन मिनिस्टर है। अरे डॉक्टर साहब हमारी रिपोर्ट लाए आप? हाँ हाँ मैडम जी बिल्कुल ले आए, ये लीजिए, ये रही आपकी रिपोर्ट और इसमें जो लिखा है वो हमको दिखा है कि आपको भयानक। ये नहीं हो सकता, मैडम को भयानक बीमारी कैसे हो सकती है? मनोज डॉक्टर, तेरी तेरी शक्ल पे लिखा हुआ, तू यहाँ आके घटिया बातें करेगा। चल निकल बाहर यहाँ से, निकल। शाबाश। सॉरी सर। बताइए ना डॉक्टर साहब क्या हुआ? सॉरी अबाउट दिस पर्सन। मैडम जी आपको भयानक बीमारी नहीं बल्कि आपको भयानक विटामिन डी की कमी है। ओह, विटामिन D3 कमी मिस चौटाला? मतलब आप धूप में सुबह सुबह नहीं निकलती है ना, आप अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखती, हमने देखा है। yes! ऐसा नहीं कि सुबह सुबह नरम नरम गरम गरम धूप लो। आप हमारे साथ कल से ना मॉर्निंग वॉक पे चलेगी बस। अरे सर यहाँ ड्यूटी में दिन रात का कोई पता ना रहता। अब देखिए कई बार इतनी लेट नाइट हो जाए, कल ही की बात लीजिए, कल रात 3 बजे एयरपोर्ट पे मैं जो एनकाउंटर कर रही थी एयरपोर्ट के बाहर। अब क्या चाह रहे हैं कि मतलब 4 बजे घर पहुँच के मैं बिल्कुल 5 o'clock का अलार्म लगा के स्नीकर्स पहन के दौड़ लूँ? मतलब 4 घंटे की तो नींद लूँगी ना सर। करेक्ट करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या करें? कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना मैं चौड़ाला इसका। अरे सर जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और मैडम जी आप घबराइए नहीं, हमारे पास विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवा है, जैसे गर्मी में ठंडी हवा है। एक काम करिए, आप किसी को हमारे क्लिनिक में भेज दीजिए, बस वो दवा लेके आएगा और आप उसको समय पर लीजिएगा। दवा खाने में चूक ना हो जाए, समझ गए ना? बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, समय से खाइएगा, ठीक है? अरे डॉक्टर साहब आप इसकी फिक्र ना करिए, हम खुद ध्यान रखेंगे कि मिस चौटाला टाइम पर दवाई ले। यस! हाँ, हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर दया। हाँ ठीक है ठीक है, कितने बार बोलोगे मिस चौटाला आप चलिए बैठिए आराम करिए। सर हम ओके। नहीं आप आराम करिए, बस आराम से बैठिए यहाँ पर। सॉरी डॉक्टर साहब मैंने आपको मनोज कह दिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्या कर रहे हैं गार्डन में? घास देखने आए हो? घास देखने आए हो गार्डन में? चल गया ना, निकल मत। आजा भाई आजा आजा। अरे हाँ हाँ अरे बस आप ये समझ लीजिए कि डॉक्टर दया फ्रॉम गया आपको ऐसी दवा दूंगा कि आप 20 साल के एकदम जवान लड़के दिखेंगे। अरे नहीं नहीं वो भी हो जाएगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, ठीक है ना? नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आपके पास 16 साल का होने वाली दवा है? इसको होना है। मैं होना चाहता हूँ स्वीट 16 इज द हसीना, अगर जापान है तो मैं हूँ चीन इज द। ठीक है दे दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है ये दवा ले जाओ और मैडम से कहना कि ये दवा दिन में 4 बार खाएंगी, समझ गए ना? मेडिसिन मिनिस्टर है। पर मेरी दवाई मैं होना चाहता हूँ एकदम यंग इज द हसीना, मुझे देख के हो जाएंगी दंग इज द। नहीं जल्दी जवान होना चाहते हो? कोई बात नहीं भाई, देखो ऐसा है कि तुम्हारे लिए हमें दवा मंगवानी पड़ेगी। जल्दी जल्दी मंगवा लेना है जी। जी जैसा आपने कहा था ना मैंने वैसा ही किया है, बस आप ये समझ लीजिए कि आपका कहा हुआ काम हो गया। चंद्रमुखी ये दवा अवश्य खाएगी। इस पे निशाना लगाइए भैया। वेरी इजी, बाकी कोई टच नहीं होना चाहिए। क्या भैया सारे कंचे बिखेर दिए आपने, फिर से लगाइए निशाना, समेटिए। तुम्हें पता है नहीं मोह मंदिर है? माजरंग किसके अंदर चिंटू का बचपन फूट रहा है यहाँ पे? oh no, oh no, oh no. जो कन चले गया चौकी में। भैया आप मेरी तरफ उंगली क्यों कर रहे हैं जबकि कन चले के आप आए हैं? मैडम मैं गोलू मैं कुछ बोलूं? बोल। मैडम गोपी जी कंचे लेके आए थे। बुराऊ शर्म ना आती है? बिल्कुल बैकुंठ की यात्रा पे एकदम रेडी हो रहा है लेकिन झूठ बोल रहा है हमारे सामने यहाँ। और क्या बचपन में माँ बाप पालने में रख के भूल गए थे? तैने कोई लाड नहीं किया, कोई खेलने नहीं दिया, आम के पेड़ पे चढ़ने नहीं दिया, कंचे खेलने नहीं दी, जो यहाँ सारा बचपन निकल रहा है हमारे सामने। शर्म ना आती चौकी में सो गए? अरे मिस चौटाला रिलैक्स, आराम से। आप हम आपको ऐसे नाराज होने नहीं देंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। या शी इज राइट। हाय ही या दिस वन। अबे दवाई लायो मिस चौटाला के वो विटामिन D3 के अंकल? हाँ लाया जी, उसने 4 डोज दिए हैं जी, दिन में 4 डोज लेने हैं जी। ये रही वो दवा इज़्ज़ा, हसीन है अगर एक है तो मैं हूँ सवा इज़्ज़ा। बिल्लू पानी लाओ बे। पीने का कि नहाने का? आना जरा। यस मैडम। ओ बिल्लू। यस मैडम। शाबाश, समझ गया। फिर आप कह रहे हैं कि नाराज मत हो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लीजिए मिस चौटाला, दवाई खा लीजिए। वेरी गुड। आज से ना मिस चौटाला, हम इस दवाई के 4 डोज अपने सामने खिलाएंगे, आपको खुद खिलाएंगे। एक डोज सर सोने से पहले भी लेनी है। हाँ तो आ जाएंगे ना रातों खिलाने के लिए। सर हमारा मतलब है खिड़की से खिलाएंगे और फिर निकल जाएंगे, लेकिन हम अपने सामने खिलाएंगे आपको। आपकी तबीयत तो हम ठीक करके रहेंगे मिस चौटाला। सर आप बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं हमारा। उससे भी ज्यादा रख सकते हैं। गेट आउट। हेलो डॉक। हाँ भाई तो बताइए क्या बात है? भाई हमने तो मैडम की दवा भेज दी है ना। वेल, मैं मॉम की दवा लेने नहीं आया हूँ यहाँ इज़्ज़ा, मैं जवान होना चाहता हूँ वहाँ इज़्ज़ा। भाई रुको रुको, अभी दे रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट। ये लो, ये है दवा। वाह भैया वाह, ये तो बहुत ही कमाल के डॉक्टर हैं जो आप जैसे माँ बुड्ढे को मतलब कि आप जैसे को 16 साल का जवान किए दे रहे। वैसे डॉक्टर साहब, आपके पास कोई ऐसी दवाई है जो कि इंसानी याददाश्त के लिए काम आती है? मतलब कि अगर किसी को भूलने की कोई बीमारी हो। वैसे मुझे कोई खास भूलने की बीमारी नहीं है, लेकिन कभी कभार एक आध साल में या 2 साल में एक आध दफा अगर ऐसा। हुआ था क्या? गोपी ये क्या हरकत है? अगर आज के बाद तुम अपनी दवा या मैडम की दवा लेनी हो तो यहां पे अकेले आना, वरना तुमको मैं ऐसी दवा दूंगा कि सीधे 16 साल से 116 साल के हो जाओगे, समझ गए ना? मेडिसिन मिनिस्टर है। और हाँ एक बात और, मैडम को दवा सही समय पे और सही डोज देना, ठीक है? चलो निकलो दोनों लोग यहाँ से। वेल थैंक यू वेरी मच इज़्ज़ा। हसीना है अगर स्मार्टफोन है, मैं हूँ स्क्रीन टच इज़्ज़ा। कैरी ऑन। वो जवान होने की दवा लेने आए थे, मैंने उनको टॉफी देके भेज दिया है, लेकिन चंद्रमुखी को डबल डोज की दवा हमने दे दी है। बस चंद्रमुखी पे वो दवा असर करने ही वाली ही होगी। star, yeah, hair pool. Get life stats on my fingertips. Live sports है now on everyone's lips. जब sports और entertainment का ऐसा unique combo मिलेगा, तो हर कोई यही कहेगा.